क्लास 8 के साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को शुरू कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है दहन और ज्वाला। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि दहन क्या होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है दहन कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा प्लस प्रकाश की भी उत्पत्ति होती है। उसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा प्लस प्रकाश का भी उत्पत्ति होती है। तो दहन क्या है कि दहन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा प्लस प्रकाश की उत्पन्न करती है। अब यहाँ बात आती है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जो दहन की क्रिया में भाग लेंगे, उनको क्या कहते हैं, और वे पदार्थ जो दहन की क्रिया में भाग नहीं लेते उनको क्या कहते हैं। तो दहनशील पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक है दाह्य पदार्थ और एक है अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो दहन की क्रिया में भाग लेते हैं, यानी वह पदार्थ जो दहन की क्रिया में भाग लेते हैं वो दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ये सभी क्या है, दाह्य पदार्थ है। वहीं वैसी पदार्थ जो दहन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं वह अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में हम समझ सकते हैं कि जैसे आपका पत्थर है, जैसे में बालू है, जैसे में लोहे की कील है, ये सभी क्या है, अदाह्य पदार्थ है, ये जलने वाला पदार्थ नहीं है, ये दहन की क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ नहीं है, अतः इसे हम अदाह्य पदार्थ कहेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतना ही समझा कि दहन क्या है, दाह्य पदार्थ क्या है और अदाह्य पदार्थ क्या है। इसी तरह से आगे की वीडियो देखने के लिए आप GMR स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।